आनंद की छाया। तो अभी पसीना पसीना हो गया खाने के बाद, इनका फुल्का भी स्टार्ट हो रहा था। थोड़ा सा ऊपर जाके पहाड़ी इलाका सिदोली से ऊपर जा। आज मैं आज पकड़ू कैमरा, अभी जरा ठंडा लगन जो बोले इसका पेट फूला खाता है। जय कौन हमारे कड़ा जी बोल देना जोली भात रीति रिवाज तो कभी नहीं बोलो, दूध दही छह पर आज आज सुबह आना चाहिए। दोस्तों हालत खराब हो गई भाई, प्रियंका योगी तिवारी आज मैं भी तो बन गई यार। तो दोस्तों इस टाइम पे हम ये देखो छाछ पी रहे भाई, छाछ आनंद की छाछ, आनंद कंपनी की है। ये देखो आज छाछ पी जाएगी। आज मेरी भी तबीयत खराब हुई, बुखार आ रहा और हाथ पैर टूट रहे, ये सबको वायरल ही हो रहा है। पहले मम्मी को हो रहा था है ना, मम्मी को भी हुआ, दवाई लेके आया था मैं और सब, अभी पापा को भी हुआ था, सबको हो रहा है सबको। तो आज के लिए वायरल चल रहे, बहुत खतरनाक हुई। दवाई बची थी मैंने एकदम, अभी एक डोज ले ली दवाई की। बुखार आ रहा था हल्का फुल्का, भी स्टार्ट हो रहा था मगर मैंने दवाई ले ली थी जो बची हुई थी, तो अभी तो ठीक है, पसीना पसीना हो गया बुखार के कारण। ये थोड़ा भाई छाछ पी लेते हैं, ये देखो ये लेके आया था तो इसको पी लेते हैं जरा। तो दोस्तों यार छाछ में मैंने डाल दी है नमक, तो थोड़ा फीका सा हो रहा था, वो शादी थी ना इसलिए तो थोड़ा नमक डाल दिया, उससे ठीक हो गया, थोड़ा आराम मिल रहा है यार। बुखार ने ऐसा करके ना हाथ पैर तोड़ रहा बुखार पूरा यार। तो अभी तो स्टार्टिंग ही थी सुबह सुबह, हाथ पैर कमर पूरा दर्द कर रही थी, तो मैंने एकदम दवाई बची थी मैंने एकदम दे दी, तो अभी थोड़ा ठीक है, ऐसा लगता है कि बुखार आ रहा है, तो शाम को लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इस टाइम पे भाई मैं बाहर आ चुका हूँ घर के, और ये देखो यहाँ पे भाई खीरे लग गए, खीरे एक दो दिन से खाए नहीं ना, अब लग गए काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए। ये देखो एक ये रहा और एक वो रहा, और भी लगे हुए नीचे साइड, थोड़े खीरे थोड़े से गए हैं, नहीं तोड़ा कल, तोड़ा था ना आज, नहीं तोड़ा ना भाई, कुछ कुछ खीरे गिरे यहाँ से दिखाई नहीं देंगे शायद, अब नहीं है ना, ये खराब हो जा रहे ना, सड़ रहे थे, बेल सड़ जा रही ना ऐसे, पता नहीं क्या हो रहा है इनको, सड़ रहे हैं ज़्यादा बारिश से। बारिश तो चाहिए चाहिए ठीक है, मगर धूप भी चाहिए ना उसके साथ साथ, इसलिए पेड़ तब खिल जाता है। इसको अभी नहीं तोड़ेंगे, इन खीरों को तोड़ेंगे कल को, फूल ही फूल हो रहे हैं अभी, और कुछ तो है नहीं। तो दोस्तों मौसम भी वैसी है, उमस सी हो रही है आजकल इधर भी, अब उमस होने लगी दोबारा, और बादल भी बन रहा है एक साइड से, मगर उमस भी हो रही है भाई ज़्यादा। मैं थोड़ा सा ऊपर जाके पहाड़ी इलाका सिदोली से ऊपर जाके, उधर भाई काफ़ी बारिश लग रही है दुगड्डा उससे ऊपर, सिदोली साइड में भी बारिश लग जाती है, पूरा पहाड़ी इलाका हो गया इधर से, फिर बारिश लग जाती है उधर, फिर इधर बारिश नहीं होती, कभी इधर होती है तो फिर मार्केट साइड नहीं होती है, क्योंकि पूरा हमारे इधर वाला इलाका भी पहाड़ी वाला इलाका है, तो इधर से भी बारिश हो जाती है थोड़ा। हेलो दगड़ियों सब तय मेरा नमस्कार, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आज मैं आज पकड़ू कैमरा और मैं आई छो फिलहाल अपने किचन में, आज मैं बनाने कढ़ी चावल, और यू लड़का तबियत खराब हुई छे, बुखार आनु छे, और बोनू छो की मैं तो बुखार आए, मैं लेटी छो, मिलकर तो वीडियो नहीं बनानु छे, तो बोलो जो मैं तो बुखार आयो जो मैंने बनाना बनाने तो तू बना ले, तो मैंने कहा भी वीडियो से चढ़ने लगी थी, वीडियो तो बना ले, तो मैं देख दूसो क्या कौन हो देखो, तो ये देखो फिर लेटी हो बुखार आई चो, पसीना पसीना हुई चो, ए दवाई ने फर्क नहीं पड़ी, फर्क नहीं पड़ी दवाई, हाँ अभी जरा कम है और फर्क नहीं पड़ी, तो शाम तक एक बार फिर डॉक्टर में जाओ, फिर दिखा के ला लो, अभी जरा ठंडा लगन जो बोले तब जरा सोल दे दी दूँ, तब देखो तब शाम तक फिर डॉक्टर में चालू फिर दवाई ला लो। ठंडा लग रहा है लेटी जो, अभी पसीना हो जाएगी तो थोड़ा सा बुखार बदन हल्का हो जाए, आजकल वायरल बुखार चलना चाहिए, आप अपने बच्चों को जरूर ध्यान रखें, और वो तय टाइम से डॉक्टर में दिखाए ना, मैं तो बहुत खतरनाक बुखार आना चाहिए ना, मेरे भी तबीयत खराब हुई है, सबकी तबीयत खराब हुई है हमारे घर में, जरा दवाई खा के जरा ठीक से हो, तो दगड़ी हूँ फिलहाल तो मैं बड़ा कड़ी चावल, अब मैं बाहर जा रही हूँ, ये देखो अभी बारिश हो रही थी और अभी फिर बारिश धूप होने लगी, अब बारिश भी हो गई, देखो नीचे सारा गिल्ला हो रखा चावल, अभी बारिश हो रही थी अब फिर धूप होने लगी, पर मौसम ऐसे खराब हो रखा है, अभी मैं गाय की तरफ दिखाती क्या करें, मेरी गाय की तबीयत खराब हो रखी थी मैं दिखाती हूँ, इसकी तो और की तबीयत खराब है, श्यामा इसका नाम रखा मैंने श्यामा, ये हमारा नंदू, ये है नंदू, खाली तुम्हें कुट्टी, ये श्यामा इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत, देखो कितनी कमजोर हो रखी है, इसका पेट फूला खाता, कल हमने इसको तेल और हींग पिलाया ऐसे इसका पेट खुल गया, अब ये जरा खाने लगे, नहीं तो ये दो दिन से जुगारी भी बंद हो रखी थी, नंदू जी जब से हुआ उसने तब से स्वस्थ, इसको खाने के लिए दे दो, ये तो बस खाते रहेगा सारे दिन, मन ये की तो लदड़ी हुई है, हाँ ये देखो नंदू, ये देखो दगड़ी मैं करूँ सब कड़ी बनाने की तैयारी,
जो हमारे कड़ा जिम बोलते ना झोली भात, झोली भात हमारे पुराने लोग पहले झोली भात ही बोलता था, अब तो हो गया कड़ी है चावल, पहले झोली भात बोलता था पहाड़ों में। अपनी रीति रिवाज तो कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी मैं फिलहाल प्याज कटना छूँ और पकौड़ा बनाने की तरह सब दो चार पकौड़े बनाने में तैयारी करो छूँ, फिर आप देखो लो हम तो ये नहीं बना दूँ। प्याज काटी गए थोड़ा पकौड़ी में डाली गई, लोग तो उन्हें बेसन ही बेसन का पकौड़ी बना देना, हम तो ये नहीं बना दूँ। आप कन बना दो, आप जरूर कमेंट में लिखें और हम तो बताएं कि आप कन बना दो, हम तो ये नहीं बना दूँ। आप दगड़ी हो, मैं आ गई हूँ छाछ का पैकेट लेके। उन तो हमारे गाय छे घर में दूध दही छे, पर आजकल गाय की तबीयत खराब हुई है, एक वजह से बाजार से मंगवा पड़ो छे दूध, आजकल नहीं लेनी चाहिए गाय बहुत कम कह रहा दूध, वैसे बाजार से लाए मट्ठा छे जरा ये तेने जरा छोड़ना कड़ी गुणी इतने मट्ठा में निकाल पैकेट में, ये जो मट्ठा आ हम बना चो कड़ी, आ जाओ आप ही खा जाओ आप ही खा लो। ये नहीं होती पहाड़ी लाइफ स्टाइल, थोड़ा नमक मिर्च डाल के बेसन डाल के इसको घोल देती हूँ, तब मेरे पकौड़ी तैयार दगड़ी हम करना चाहूँ पकौड़ी बनाने की तैयारी। अब देखो तब इसके दगड़ी पकौड़ी बननी डाल दिए मैंने पकौड़ा, आगे थोड़ा अब पकड़ जा लू और थोड़ी देर में फिर खाया जा लू दगड़ी। अब तो भैया किचन में मैंने कड़ी चढ़ा दिया है, आज अभी तो हूँ तो गर्म, अभी थोड़ी देर मैंने आपसे बोल जाऊँ कि बरखा भी लगी जाए, धूप भी आ गया है। अब देखो तो मेरे जरा मैंने जितना देर मैंने कड़ी बना वाले उतना देर में बारिश भी दोबारा आ गया है, अब देखो झमाझम बरखा होनी बहुत फर्स्ट क्लास बरखा ये मौसम रहना ना, शाम तक एकदम बढ़िया था दगड़ी हम तो यार। वैसे तो बारिश कम ही हो रही है पर फिर भी जो भी हो रही है अच्छी हो रही है, आज बढ़िया बारिश हो रही है, हमारे लिए जरा ठंडा कर जा रही सुबह शाम, पर हम तो घास काटने वाले भी, हमको फिर थोड़ा घाम भी चाहिए थी, मैं तो किचन में घास नहीं कटता दगड़े। ये देखो कड़ी भी बनी है, इन्हें चावल भी बनी है। अब दगड़े में जाना था जरा भैर, जरा मौसम घूमने जा रहा फिर देख दूँ दिक्कत का बारिश लगी है, चारों तरफ सावन की हरियाली क्या मस्त नजारा था। ये तो देखी मैं तो नेगी जी को गाना याद आ मुझे, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा गाना थे, मैं तो जो बेटी ससुराल चाहिए नहीं दी ऊपर से लिया सोना एक भी शब्द जरा बोले थे सोना कने ना बे कने कुरे ना कुरेड़ी लो क्याली अंधेरी रात बारे कह की सम्राट बुध तेरी लागाली सोना का मैना वे कहने कूरे ना। तो दगड़े हूँ आसु भी आना थी ना और माँ की याद भी आनी थी और भी आना भी बहुत प्यार है, बस इतने ही। ये सब ठीक है तबे, सब ठीक है ना, थोड़ा आराम मिला, थोड़ा बात खा ले थोड़ा सा, ये रोटी खा लो बात, चलो तो थोड़ा बात खा ले तो फिर दवाई खा ले दोबारा ठीक है। तो दोस्तों हालत खराब हो गई भाई, बुखार ने हाथ पैर तोड़ दिया, सुबह से हो रखा है, दो बार दवाई खा ली मैंने, अब जाके थोड़ा सा आराम मिला है, थोड़ा ज़्यादा ऐसा होता है तो फिर दोबारा जाऊँगा हॉस्पिटल ने, तो दवाई थी जो मम्मी और पापा और लाया था मैं, फिर वो मैंने खाई अभी बची हुई थी उसमें से, अभी तो ठीक लग रहा है और पसीना पसीना बहुत ज़्यादा, पूरा पसीना पूरी बनियान भीग गई मेरी, बहुत बुरा हाल हो, ये देख रहा हूँ कैसे पसीना एकदम निकल रहा है, ये देखो ये पूरी बनियान गिल्ली हो गई है पूरी, पसीना इतना हो रहा पूरा, अब ऐसे सो रहा था मैं, ठंडा सा लग रहा था थोड़ा, मैंने शॉल ले लिया था तो अभी थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ, वैसे पैर दुख रहे हैं मेरे जॉइंट में थोड़े दुख रहे हैं, हाथ पैर के थोड़े दुख रहे हैं, बस देखता हूँ ठीक हो जाता तो ठीक है, मैं घर में भी वैसे पैरासीटामोल उसको भी ले लूँगा, मैं तो फिर डॉक्टर पर जाऊँगा। और ये मुँह देख रहा हूँ कैसे हो गया उसके कारण, थोड़ा बुखार से हालत थोड़ी ख़राब से हो गई, तो अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलूँगा, खाना खाऊँगा उसके बाद सो जाऊँगा,
थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको शाम को मिलूंगा। तो चलिए दोस्तों, शाम का टाइम हो चुका है और शाम के बज चुके हैं इस टाइम पे 6, और अभी भी मेरी तबीयत खराब है, दोबारा से बुखार आ गया। वो पहले बीच में भी ठीक हो गया था, फिर दोबारा से बुखार लौट रहा, गर्म हो रहा पूरा एकदम। जो मैंने दवाई खाई ठीक हो गया था, धीरे धीरे कम हो गया था, फिर बढ़ने लगी शाम के टाइम में। फिर अब जा रहा हूँ मार्केट और दवाई लाऊंगा यार, बहुत दिक्कत हो रही है, फिर रात को और बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। और इस टाइम पे मैं पी रहा हूँ भाई दूध, ये गर्म कर लिया मैंने, अब इसमें मैं हल्दी डाल दूंगा, तब हल्दी वाले ही, वैसे हम हल्दी वाले पीते हैं, बुखार के लिए भी ठीक रहेगा। आज तो पूरा लगभग पूरा ब्लॉग ही मम्मी ने बना दिया था, आपको दिखाया है, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। फर्स्ट टाइम है, अपना ब्लॉग अपने आप जो बना रहे हैं अपने आप ही बनाए मम्मी ने। वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो वीडियो में लाइक किया करो, लाइक का बटन रहता है, और कमेंट भी किया करो, वो अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हो तो पता चलता है कि हाँ भाई कौन कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो पता लगता है कि कौन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, अपना ये हल्दी वाला दूध आ गया, आधा से ज्यादा तो मैंने पी लिया, देखो ये हल्दी वाला दूध। अभी जुखाम तो लगी रही है, बुखार भी आ रहा है, थोड़ा सर भारी भी हो रहा है, वही पी के उसके बाद डायरेक्ट जाऊंगा मैं दवाई लेने के लिए। तो आज वैसे ही मम्मी ने ब्लॉग बना रखा, मम्मी बन गया है छिंग का योगी तिवाड़ी, एक दिन पापा को दूंगा बनाने के लिए, पापा को बनाऊंगा सौरभ जोशी। तो चलो गाइस, चलो थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, चलो थोड़ा बहुत ये भी होना चाहिए, आज मम्मी ने भी बना लिया ब्लॉग, मेरी भी तबीयत खराब हो रही आजकल यार, ये सबको हो रहा है, ये चीज सबको हो रही, पहले पापा फिर मम्मी को भी फिर मुझे भी हो गई, ये मतलब ये ना वायरल सबको हो रहा है इस टाइम पे, बरसात के टाइम पे होते रहता है वायरल। तो जल्दी से इसको फिनिश कर देते हैं जितना बचा है, उसके बाद निकलते हैं मार्केट। इस टाइम पे मैं आ चुका हूँ गांव की रोड पे, और मैं जा रहा हूँ भाई इस टाइम पे मार्केट दवाई लेने के लिए, पहले अपनी दवाई लूंगा। और इधर क्या भाई, मोर ही मोर आ गया बारिश के बाद ना, दिन के टाइम काफी अच्छी बारिश चल रही थी, बहुत अच्छा, तो इस टाइम पे थोड़ा अभी ठंडा हो रहा मौसम ठीक है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पर भाई वो आ रखे मोर, इधर है नीचे जा रखे उस साइड पे, और देखो मोर वो दिख रहा है वो सामने, देखो वो जा रहा है, काफी सारे मोर आ गए, कुछ इधर है कुछ उधर है नीचे जाके, वो देखो दोस्तों। मैं आ चुका हूँ इस टाइम पे घर, और ये दवाई थी, दवाई भी लेके आ गया था यार, तो एक दवाई तो मैंने वहीं खा दी थी मार्केट पे ही, थोड़ा आराम मिल जाएगा, है वैसे बुखार, अब पता चलेगा, एक डोज अभी लूंगा रात को सोते हुए और एक सुबह ले लूंगा। हालत है सूर्य की, ऐसा करो मन नहीं कर रहा कुछ चीज का, लेट जाऊंगा ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, मम्मी यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रही है भाई, सुनते हैं। हाँ क्या ब्लॉग देख रही मैं, किसके? प्रियंका योगी तिवाड़ी का। प्रियंका योगी तिवाड़ी का, आज मैं भी तो बन गई, आज मैंने भी बनाया थोड़ा सा, मुझे अच्छी लगती है इसकी वीडियो, हमारी बहन है अच्छा बनाती है, तो भी प्रियंका योगी तिवाड़ी बन गए, प्रियंका योगी तिवाड़ी बन गए, ये देखो अच्छा बनाती है, ये ब्लॉग देख रही मम्मी, ये देखो बढ़िया बढ़िया, मम्मी बन गया प्रियंका योगी तिवाड़ी, बोली बढ़िया बनाती है, ठीक है बढ़िया है। तो चलो फिर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री राम।